बैक टू अनदर ट्रेडिंग सेशन। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। आज मैंने सिर्फ दो ही ट्रेड किए हैं और वो ही एक ही स्टॉक में ट्रेड किया है, वो था बर्जर पेंट। अभी अपन इस स्टॉक में अगर कंडीशन समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, ये स्टॉक क्या कर रहा था, कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन आप सबको दिख रही होगी और एक वर्ट जो ये थी ट्रेंड लाइन, थोड़ी सी स्टीप ट्रेंड लाइन, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, राइट। तो यहाँ पे हम समझेंगे इसको, सबसे पहले हम 5 मिनट चार्ट में चलेंगे। अभी हम आ चुके हैं 5 मिनट चार्ट में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ये टच कर रहा था, और क्या होता है यहाँ पे जो ब्रेकआउट होता है ये फेड हो जाता है ना। क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा जो वेटेज होता है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ब्रेकआउट देता है ना उसको ज्यादा वेटेज है, क्योंकि लोग जो भी बड़े प्लेयर होते हैं वो अपना एसएल कहाँ पे लगाते होंगे, वो तो अपने एक लेवल के पास लगाते हैं। अभी यहाँ पे उन लोगों का एसएल कहाँ, ये जो हाई दिख रहा है इस कैंडल का, इस कैंडल के हाई के पास, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ 1 मिनट के लिए बस। देखिए ये हाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे सबका एसएल होगा, तो ये यहाँ पे उन लोगों का ऐसा है, जब प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करेगी ना तब वो लोग अपनी पोजीशन को सेल करें, ना कि जो यहाँ पे अपने को ये ट्रेंड लाइन दिख रही है वहां पे वो सीधे बायर एक्टिव थे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो ज्यादा परफेक्ट रहती है, ज्यादा उसकी एक्यूरेट सिवाय इस ट्रेंड लाइन के। तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अभी मैं आपको चलते अपन मैंने कहाँ पे ट्रेड किया वो समझते हैं। अभी इसी में देखिए, मॉर्निंग में मैं ये क्या कर रहा था, ब्रेकआउट कंडीशन बना रहा था, तो यहाँ पे इसने मॉर्निंग में क्या किया, इसने कंसोलिडेट किया। जैसे ही इस कैंडल, इस ग्रीन कैंडल ने जो अपना डे का लो जो हाई था ना उसको जैसे ही ब्रेक किया, मैंने वहां पे क्या कर ली, मेरी एंट्री एग्जिट कर ली। अब इसने क्या करा, नेक्स्ट कैंडल ही देखिए, नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई, तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब फिर से इसने क्या किया, कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में गया था तो वहां पे देखा कि ये क्या कर रहा है, एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो मैंने वहां पे मैंने क्या कर ली, एंट्री यहाँ पे मैंने, सॉरी, ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब जैसे ही इसने क्या किया, यहाँ पे होल्ड कर लिया अच्छे से, अब मुझे लगा ये जाएगा, और मैंने जैसे ही यहाँ पे फिर से जो हाई ब्रेक किया ना इसने, यहाँ पे मैंने वहां पे क्या कर ली, एंट्री एग्जीक्यूट, फिर से बाइंग ऑर्डर डाल दी। अब इसने क्या किया, अब ये परफेक्ट एंट्री थी, ये परफेक्ट एंट्री थी मेरी, यहाँ पे जो एंट्री मैंने ली थी ये क्या था, अर्ली एंट्री थी, मुझे लगता है जाएगा, क्योंकि क्या होता है ऐसे इसमें थोड़ा सा बहुत क्विकली स्टॉक चला जाता तो ये हाथ में लगता, तो मैं क्या करता हूँ जनरली थोड़ा अर्ली एंट्री ले लेता हूँ, पर यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे चलेगा। अब ये परफेक्ट एंट्री थी, पर यहाँ पे भी ये क्या हुआ, ये जो स्टॉक है ये ब्रेकआउट, ये फेल हो गया यहाँ पे। ये फेल कब हुआ था, मैं तब तक बैठा था इसमें जब तक ये ट्रेंड लाइन को ये क्या कर रहा था, रिस्पी का, जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया ना ये कैंडल, जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, मैंने मेरी वहां पे एंट्री जो थी, जो बाइंग साइड की पोजीशन थी, मैंने उसको एग्जिट कर लिया। और ये सीधे फिर देख सकते हैं अपन, ये नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसने फिर से एक बार ट्राई किया था, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया, पर ये क्या हुआ है, ये भी ब्रेकआउट क्या उसका फेल हो गया। जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया उन लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, और जो नए बायर हो गए, जो 12 बजे या 12:30 बजे के बाद जो बायर एक्टिव होते, तो उन लोगों का क्या होगा यहाँ पे, वो ट्रैप हुए होंगे और उनको एसएल देना पड़ा। तो यही था आज का जो ट्रेड था, दो ट्रेड ट्रेड हुए, बाकी इसमें मैंने कोई ट्रेड किया ही नहीं है। अब चलते हैं पीएनएल में, तो आप करीब देख सकते हैं दो ट्रेड में मेरा लॉस कितना था, 350 लॉस हुआ है, और ठीक ठाक है, मतलब इतना ज्यादा नहीं, कल के लॉस, तो अपना लॉस आज का क्या है, कम ही है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।